नमस्कार बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12 की जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अर्थात टीकाकरण। तो टीकाकरण क्या होता है, इससे संबंधित चर्चा करते हैं। तो देखिए, आप देखें यहाँ पर शरीर पर एक बार किसी रोगाणु, अगर आपके शरीर पर कभी भी एक बार किसी रोगाणु या प्रतिजन का मतलब एंटीजन का प्रकोप हो जाने पर उसके उत्तेजित होने वाले विशिष्ट लिम्फोसाइट्स, ध्यान दें यहाँ पर रोगाणु या एंटीजन का प्रकोप जब हो जाता है, प्रकोप का मतलब इसमें कोई ना कोई ऐसा पदार्थ होगा, तो जब वो एक्टिव स्टेट में अर्थात उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, या इसके कह सकते हैं विशिष्ट लिम्फोसाइट की संख्या हमारे शरीर के अंदर के जो लिम्फ है अर्थात लसिका अंगों में बहुत बढ़ जाती है। जब लसिका अंगों में बहुत बढ़ जाती है तथा दोबारा इस रोग के होने की संभावना कम हो जाती है। ध्यान दें, बात को इस तरीके से समझें कि आपका मान लिया कि ये लसिका का अंग है, सामान्य रूप से जब तक इन्फेक्शन नहीं कोई हुआ है, कोई एंटीजन या कोई वायरस इस पर अटैक नहीं किया, तो ये अपने हिसाब से कार्य कर रहा है। जब इसके ऊपर किसी भी रोगाणु या कोई अन्य एंटीजन पहुंच जाता है, तो इसके अंदर जो पाए जाने वाले मैकेनिज्म है, ये क्या हो जाता, बहुत एक्टिव हो जाती है, बहुत सक्रिय हो जाती है। इसलिए सक्रिय हो जाती है क्योंकि बाहरी तत्व का इस पर क्या हो चुका है, आक्रमण अर्थात अटैक हो चुका है। अटैक होने से, तो यहाँ लिखा गया विशिष्ट लिम्फोसाइट की संख्या लसिका अंगों में बहुत बढ़ जाती है, उसके सतर्कता बढ़ जाती है तथा दोबारा उसी प्रकार के रोग से होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती, क्योंकि उस प्रकार की प्रतिक्रिया के प्रति वो अंग क्या हो जाता, सक्रिय हो जाता है। इसलिए दोबारा, जैसे आपके घर में एक बार वो व्यक्ति चोरी कर गया, दोबारा वही व्यक्ति आएगा तो आप उससे काफ़ी अलर्ट रहते हैं, आसपास भी देखेंगे तो आपके दिमाग में शंका आ जाएगी कहीं कुछ ये जुगाड़ में तो नहीं है। तो इसी प्रकार से क्या होता, हमारे बॉडी का जो भी शरीर है, बॉडी है, इसके अंतर्गत जो लसिका के अंग हैं, इनके लिम्फोसाइट क्या हो जाते हैं, किसी एक बार अटैक होने पर वायरस के या कोई ऐसा एंटीजन आता है तो दोबारा क्या हो जाती है, संभावना कम हो जाती। कम होने के पीछे मुख्य कारण है कि उसकी प्रक्रिया या उसकी गतिविधि किस प्रकार की है, उससे हमारा अंग सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। अब इसी की आगे बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र की हम बात कर रहे हैं, तो प्रतिरक्षा तंत्र की इसी विशिष्टता पर आधारित है एक विशेष विधि जिसका नाम है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन का मतलब यही है कि एक प्रकार की प्रतिरक्षा, अगर कोई भी शरीर के अंदर बाहरी तत्व आता है उसके प्रति सजगता अर्थात कितना ज़्यादा सक्रिय हो करके उसकी गतिविधियों को निष्क्रिय करने की एक प्रकार की प्रक्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिरक्षा या इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसी के आधार पर क्या, वैक्सीनेशन आधारित है आप कह सकते हैं। तो आइए आगे देखें, हम आगे बात करते हैं। इस विधि में किसी रोग के रोगाणुओं को मार करके, ऐसा भी हो सकता है उसको मार करके, या ऐसा हो सकता है कि उनको निष्क्रिय कर दिया जाए, प्रभावहीन बना करके, ऐसा भी किया जा सकता है। वो निर्भर करता है वैक्सीन टू वैक्सीन, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जितनी वैक्सीनें हैं सभी में कई अलग अलग प्रोसेस से गुजरना होता है। तो प्रभावहीन बना करके या संबंधित को प्रभावहीन बना करके शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो आपको ये समझना यहाँ पर है कि टीकाकरण में होता क्या है, किसी भी रोग के रोगाणुओं को मार करके, अब वो निर्भर आगे करेगा कि
किस प्रकार का टीका हम बना रहे हैं या प्रभावहीन बना करके, या ऐसा भी हो सकता है उस रोगाणु से संबंधित कुछ अलग चीज के इंटरफेरॉन या कुछ भी ऐसी चीजें हैं उनको प्रभावहीन बना करके शरीर में पहुंचा दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं या टीका कहते हैं। तथा इसका कह सकते हैं इसका इस प्रकार प्रतिरक्षा प्राप्त करने को हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन। तो इस प्रकार से रोगाणुओं के द्वारा ही हम क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहते हैं। तो ये विशेष पॉइंट आया यहाँ पर बनकर। देखिए आगे हम उसी के आधार पर देखते हैं कि जीवित प्रतिजन या रोगाणु से निर्मित, क्योंकि टीके अभी बात किया गया कई प्रकार के, तो जीवित प्रतिजन या रोगाणुओं से निर्मित ये जीवित जीवाणु लिए जा सकते हैं। इसमें जीवित जीवाणुओं या ऐसा हो सकता है विषाणुओं में क्षीणीकृत, क्षीणीकृत का मतलब होता है वीकनेस, कमजोर करके तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार के भी जो टीके होते हैं वो हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं जीवाणु या विषाणु को हम क्या काफ़ी वीक कमजोर कर देते हैं, और जब दोबारा से हमारे शरीर पर कोई अटैक करता है तब केवल वो सक्रिय होते हैं, बाकी वो निष्क्रिय पड़े रहते हैं बॉडी में। यही चीज़ कही जा रही है। आगे इसी में देखें, इसी कड़ी में मृत प्रतिजन से निर्मित टीके, इसमें हम क्या करते हैं रोगाणुओं को मृत करके उनका घोल बना लिया जाता है और उनके घोल तैयार कर लिया जाता है, उसको बॉडी में प्रवेश करा दिया जाता है। ऐसे ही आपके पास प्रतिजन के अविष्कृत से भी कुछ निर्मित किए जाते हैं, वैक्सीन या टीके बनाए जाते हैं। तो कुछ कह सकते हैं रोगजनक, कुछ रोगजनक जीवाणु जो विष उत्पन्न करते हैं उसे जीवाणु से पृथक कर लिया जाता है। ध्यान दें कि मान लिया ये बॉडी आपके पास है, इस पर कोई जीवाणु क्या करता है जब अटैक करता है तो ये आसपास क्या करता है, कोशिकाओं में एक प्रकार का क्या जहर या विष जो है उत्पन्न कर देता है। उस पॉइजन को हम क्या करते हैं, निकाल करके अलग कर लेते हैं और वही क्या कहलाता है, टॉक्सॉइड कहलाता है। देखिए टॉक्सॉइड के रूप में शरीर में विशिष्ट प्रविष्ट करा दिया जाता है, जिसको आप बोलेंगे एंटी टॉक्सिन के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। अब ध्यान से फिर से समझें कि आपके शरीर में कहीं पर कोई भी चीज, मान लिया अटैक हुआ, तो अटैक हुआ जब भी इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा, वायरस हो या बैक्टीरिया उससे मतलब नहीं है, जब अटैक करेगा तो कोशिका के अंदर क्या होता है, कुछ भी टॉक्सिक पदार्थ ये डाल रहा तो कोशिका क्या करती है, लड़ने का प्रयास करती है कि उसके प्रभाव को निग्लेक्ट करने का प्रयास करती है, जो उसने जहर उत्पन्न किया उस जहर को समाप्त करने का प्रयास करती है। तो विशेष प्रकार शब्द इसलिए यहाँ पर यूज किया जाता है क्योंकि अभी हमने ये नहीं लिया है किस प्रकार का टॉक्सिन है, तो जैसा टॉक्सिन होगा उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, एक प्रकार का केमिकल साबित करती है। क्यों स्रावित करती है, इसलिए ताकि जो ये हमारे पास पॉइजन आया इस पॉइजन को हम समाप्त कर दें, हम क्या कर दें, समाप्त कर दें। तो उसको निग्लेक्ट करने के लिए जो केमिकल तैयार होता उस केमिकल को ही सिक्रीट कर लिया जाए और हम कहीं इंजेक्ट करा दिया जाए, तो वही केमिकल जो आपके पास क्या है, टॉक्सॉइड के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए चार नंबर पर आती है मिश्रित वैक्सीन अर्थात मिक्स वैक्सीन। तो मिक्स वैक्सीन में क्या होता है, कभी कभी दो या दो से अधिक रोगों के रोगजनक अर्थात सूक्ष्म जीव या प्रतिजन के मिश्रण से एक वैक्सीन तैयार की जाती है। हम कहना ये हम चाहता है कि कभी कभी क्या होते हैं, एक से अधिक रोग जो होते हैं, ज़्यादा रोग जो हैं उन रोगों को एक में मिक्स कंबाइंड जो है वैक्सीन तैयार की जाती है, तब हम उसे मिक्स वैक्सीन बोलते हैं। तो आइए इसी में हम देखते हैं इसका प्रयोग। जैसे देखिए हमने उदाहरण के रूप में क्या लिया है, DBT वैक्सीन।
तो डीपीटी में वैक्सीन इसका उपयोग डिप्थीरिया, देखिए आप जानते हैं काली खांसी आपके पास, तथा टेटनस की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो देखिए डीपीटी वैक्सीन पूछा जाता है कई बार, ये किस टाइप की वैक्सीन है, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए मिक्स वैक्सीन है, क्योंकि यहाँ पर तीन चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी और आपके पास टेटनस, इसलिए हम इसे मिक्स वैक्सीन की श्रेणी में रखते हैं। तो आजकल वैक्सीन दो प्रकार से मेनली प्रिपेयर की जाती है, उसमें पहला आप देखें तो पहली जो वैक्सीन आती है वो है साल्क वैक्सीन। साल्क वैक्सीन में आप क्या करते हैं, इसमें जीवित वायरस को, इसमें क्या करते हैं, लिविंग फॉर्म में वायरस को क्या करते हैं, सीधे फॉर्मेल्डिहाइड से निष्क्रिय कर देते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे हम क्या करते हैं, उस पर जो है ट्रीटमेंट करके उसको निष्क्रिय कर देते हैं, करके शरीर में प्रवेश करा देते हैं। जैसे इसका बेस्ट उदाहरण है पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन एक एक पूछा जाता है किस प्रकार की वैक्सीन है, तो आपको उत्तर बताना पड़ेगा साल्क वैक्सीन है। इस वैक्सीन के अंतर्गत क्या करते हैं, सीधे सीधे हम क्या करते हैं, लिविंग वायरस ट्रीट विथ फॉर्मेल्डिहाइड देन प्रिपेयर्ड साल्क वैक्सीन, सीधे सीधे इंजेक्ट करा दिया जाएगा बॉडी में। अब इंजेक्ट का तरीका क्या है, इसका ओरली है, आपने सुना होगा पोलियो ड्रॉप कैसे ली जाती है, तो ओरल माउथ के द्वारा इंटेक होता है इसका। तो आइए नंबर दो पर जो वैक्सीन आपके पास है वो है सेल्बिन वैक्सीन। तो सेल्बिन वैक्सीन इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, इस विधि में सक्रिय एक्टिव ध्यान दें, इस विधि के द्वारा जो भी वैक्सीन हम तैयार करते हैं इसमें एक्टिव लेते हैं फॉर्म, एक्टिव कह सकते हैं वायरस की प्रभाविता को छिड़ीकृत कर दिया जाता है, अर्थात जो वायरस की एक्टिविटी थी उसे क्या काफ़ी कमजोर कर दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है, और इस मिश्रण को मुख द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है। ये भी एक प्रकार से ओरल ली जाने वाली एक वैक्सीन ये बनकर आई। तो ऐसे इस प्रकार से आपने दो टाइप की यहाँ पर वैक्सीन देखी हैं, एक वैक्सीन आपके ने साल्क देखी है, दूसरा सेबिन की वैक्सीन। इस प्रकार से दोनों अलग अलग वैक्सीन हैं, दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो आप इसमें डिफरेंस भी बताएं, दोनों या कौन सी किस प्रकार वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है, इसे ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो सकता है बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए अब देखते हैं हम टीका और टॉक्साइड में क्या डिफरेंस है, इन दोनों को डिफरेंस को क्लियर समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो सबसे पहले टीके के बारे में बात करते हैं, टीके में छीण जीवित या मृत रोगाणुओं के विषाणु के कण होते हैं, ध्यान दें टीके के अंदर छीण बीक अर्थात जीवित या मृत कहा गया है, रोगाणुओं के विषाणु के कण होते हैं ये बात कही गई। जबकि आप टॉक्साइड में देखें ये रूपांतरित रोगाणु, रोगाणु का मतलब कुछ भी वायरस हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये रूपांतरित, रूपांतरित का मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, जीवाणु द्वारा उत्पन्न रूपांतरित टॉक्सिन या विष हैं जिन्हें हम टॉक्साइड कहते हैं, ये आपको बताया। आइए नंबर दो पर हम देखें तो टीके के अंतर्गत इसका प्रयोग विषाणु संक्रमण के बचाव के लिए किया जाता है, स्पेशली वायरस से अटैक के लिए हम क्या करते हैं, टीके का इस्तेमाल करते हैं। अब टॉक्साइड की बात करते हैं, ये जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है, ये जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, इनका प्रयोग हम जीवाणुओं के संक्रमण से बचाव के लिए करते हैं। तो पॉइंट नंबर दो पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि टीका यूज इन वायरस, टॉक्साइड यूज इन बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु। आइए थर्ड पॉइंट पर ध्यान दें, थर्ड पॉइंट टीके के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं ए एंटीबॉडीज के उत्पन्न को प्रेरित कर विषाणु के प्रतिरक्षा, विषाणु से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ध्यान दें
यहाँ पर टीके के अंतर्गत हम ये बात कर रहे हैं कि एंटीबॉडीज के उत्पन्न को, जो हमारे अंदर जब कोई एंटीजन आता है तो बॉडी क्या एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, तो एंटीबॉडी के उत्पन्न को प्रेरित कर विषाणु से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। जबकि टॉक्सॉइड के अंतर्गत कहा जा रहा है ये जीवाणु से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ये सीधे जीवाणु ही प्रोटेक्टिविटी करते हैं। आइए टीके के अंतर्गत फिर देखें लास्ट चौथा पॉइंट, सजीव वैक्सीन में विषाणु प्रोटीन। सजीव वैक्सीन में विषाणु प्रोटीन या विषाणु आरएनए दोनों ही होते हैं। आपको ये बताया गया कि वायरस मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज प्रोटीन्स। वायरस किसके बने होते हैं? जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए होगा, और प्रोटीन तो होगी। तो यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि जो सजीव वैक्सीन है इसमें विषाणु की प्रोटीन व विषाणु का वायरस अर्थात कंप्लीट वायरस की बात की जा रही है इसमें होता है। जबकि टॉक्सॉइड के अंतर्गत आप देखें तो टॉक्सॉइड में जीवाणु के प्रोटीन होगा या फिर ग्लाइकोप्रोटीन होगा, प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपने एक प्रकार से वैक्सीनेशन पढ़ा है। वैक्सीनेशन टीकाकरण क्या होता है, अलग से आ सकता है टीका क्या होता है, या टॉक्सॉइड क्या होता है, या टीका और टॉक्सॉइड में क्या डिफरेंस है, ये परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसी के साथ जय हिंद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।